नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना। सोशल साइंस ज्योग्राफी, आज हम इस क्लास में जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है इंडिया साइंस एंड लोकेशन। भाग एक है ये इस चैप्टर का। और आपके पास अगर कोई भी सवाल है, आपने ये चैप्टर पढ़ा है, कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जिन्हें बहुत खुशी होगी आपके सभी सवालों का जवाब देके। आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं अपने सवाल। हमारा ईमेल आईडी है dth.class9@cieet.nic.in। कक्षा 9 के सभी छात्र इस वक्त हमें देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर 9 पर, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी एनसीईआरटी ऑफिशियल। आप चाहें तो अपने सवाल हमारे यूट्यूब चैनल के लाइव चैट बॉक्स में लिखकर भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम अपनी एक्सपर्ट से भी मुलाकात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं मिस के जया। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम। प्यारे बच्चों, Welcome to this session for class 9 geography, भूगोल का chapter 1, जैसे अभी आपको अवगत करवाया गया है। ये भाग एक है जिसमें तन्वी मैम हम पढ़ेंगे बहुत सारे activities के through, क्रियाकलापों के through, right? जैसे हम अभी experiential learning के बारे में बहुत emphasize कर रहे हैं। बच्चे अपने आप अपने experience से इस chapter को बहुत अच्छे से सहज रूप में समझ पाएंगे, ऐसा आशा करती हूँ। चलिए हम अपना lesson शुरू करते हैं। जी बिल्कुल मैम। जी तो जैसा कि बच्चों ये chapter है इंडिया साइज एंड लोकेशन, या आकार और स्थिति के बारे में। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपको पता है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, है ना? अगर अगर हम ये जानने की कोशिश करें, इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इट हैज अचीव्ड मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स। बच्चों दोस्तों, पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत उन्नति की है। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे देश में कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। इंडिया इज अ वेरी वेरी वास्ट कंट्री। ये सिर्फ एक महज साइज में नहीं, बल्कि अगर हम जाने और अगर आपने इतिहास में पढ़ा है, जोर के देखिए कि भारत ने बहुत एक अहम भागीदारी की है विश्व के इतिहास में। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द वर्ल्ड हिस्ट्री। भारत ने विश्व इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और जाहिर है कि आपने इतिहास में जरूर पढ़ा है इसको, कई कक्षाओं में आप पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम भारत की स्थिति यानी लोकेशन के बारे में जानेंगे। बच्चों जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, दोस्तों अगर आप भारत को यहाँ पे नक्शे में देख पा रहे हैं, मैं जानती हूं कि आप सब बहुत आसानी से इसे पहचान चुके होंगे। वेयर इज इट लोकेटेड? वेल इफ यू कैन सी इंडियन ओशन, जस्ट अबाउट द इंडियन ओशन टू द साउथ ईस्ट ऑफ एशिया, यू विल फाइंड द लोकेशन ऑफ द कंट्री। India is a vast country. भारत एक विशाल देश है। It lies entirely in the northern hemisphere. इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है कि भारत जो है पूरा का पूरा मुख्य भाग इसका 8 degrees north and 37 degrees 6 minutes north. अगर आप ध्यान दें, 8 degrees 4 minutes north और 37 degrees 6 minutes north, अर्थात भारत का मुख्य भाग जो है वो 8 degree 4 minute उत्तर से 37 degree 6 minutes उत्तर अक्षांश यानी latitudes और longitude जिसे हम देशांतर कहते हैं बच्चों, वो 68 degree 7 minutes पूर्व अर्थात east
और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट देशांतर के बीच स्थित है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप सब जानते हैं कि जब हम पूर्व या देशांतर की बात कर रहे हैं, एक अहम सवाल आता है तन्वी मैम, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि दोनों के हेमिस्फीयर में हम अलग अलग दिशाओं को क्यों बताते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को हम नॉर्थ में बताते हैं बच्चों, क्योंकि होल ऑफ इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरह भारत स्थित है और भारत जो है वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। सो इसीलिए हम इसकी जो देशांतर स्थिति लेते हैं वो लॉन्गिट्यूड्स जो है वो ईस्ट में एक्सप्रेस करी जाती है। सो इंडिया लाइज टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। आप सभी जानते हैं कि 23.5 डिग्रीज नॉर्थ यानी कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एक रेखा है जो पूरे देश को लगभग दो इक्वल पार्ट्स में विभाजित करती है, बांटती है। कर्क रेखा देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। अब चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भारत में अगर हम उसकी स्थिति की जानकारी लें तो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट जो इसका मुख्य भूभाग है, इसके दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है और जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स यानी लक्षद्वीप समूह जो है वो बंगाल, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो अगर आप ये दो द्वीप समूहों को देखते हैं चिल्ड्रन, जानने की कोशिश कीजिए कि दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। एक रोचक एक्टिविटी अपने लेवल पे आप लीजिए, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यानी द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां स्थित है। आपको एक जानकारी होगी कि सन 2004 में एक सुनामी का प्रकोप देखा गया था। जानते हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन जलमग्न हो गया था, समुद्र में जलमग्न हो गया था। और इस पॉइंट को आपने जरूर याद रखना है क्योंकि ये सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन है जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बच्चों एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको मैं, ढूंढिए कि ये इंदिरा पॉइंट किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोकेट कर सकते हैं अपने एटलस में। क्यों दे रही हूं मैं आपको कि ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई एक कड़ी है, तो इसका उत्तर आप ढूंढिएगा कि ये कहां पर है, कहां लोकेटेड है। हालांकि ये बहुत जरूरी है आपको जानना कि ये जलमग्न हो गया था। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब हम साइज की बात करते हैं यानी आकार की बात करते हैं। द इंडियन द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। That means कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है। India's total area accounts for 2.4% of the total geographical area of the world. दोस्तों एक चित्र जो आपके सामने है आप उसे एक कंपैरिजन में देखिए।
यहाँ पे इस चित्र में दर्शाया गया है विश्व के 7 बड़े देश। जाहिर है आप अनुमान लगा चुके होंगे कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और अब थोड़ा और इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि इंडिया का या भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है, व्हाट इज द लाइन बाउंड्री ऑफ इंडिया। चिल्ड्रन, इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर्स, है ना, कितना विस्तृत देश हमारा। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन अर्थात समुद्री तट रेखा दोनों द्वीप समूहों को मिलाकर, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, इज 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर है। अब इसके विस्तार के बारे में चलिए थोड़ी और हम खोज करते हैं और समझते हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ध्यान से अगर आप देखेंगे भारत के मानचित्र को, अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि भारत का जो उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा है, वहां पर आपको नवीनतम वलित पर्वत देखने को मिलेंगे। भारत के उत्तर में और उसके उत्तर पश्चिम में और उत्तर पूर्वी दिशा में वलित, नवीनतम वलित पर्वत है, दैट इज यंग फोल्ड माउंटेन्स। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, इट बिगिन्स टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज। यहां पे एक मैं आपको शब्द दे रही हूं कि पेनिनसुला के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना। अगर हम देखें तो भारत का दक्षिण भूभाग जो है वो उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दैट इज 22 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड से हिंद महासागर की ओर यानी इंडियन ओशन की ओर ये टेपर करता चला जाता है, संकरा होता जाता है। लेकिन वो इस महान हिंद महासागर को दो भागों में विभाजित कर देता है, एक तरफ है अरेबियन सी और दूसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल, अर्थात अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब जैसा आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, इस मानचित्र को ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं कि जिस विस्तार के बारे में हमने बात किया कि अगर हम लोकेशन की बात करें, जो हम एब्सोल्यूट लोकेशन की बात करते हैं कि कितने अक्षांश और देशांतर या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की एक्सटेंट को हम डिफाइन करेंगे इंडिया की एरिया को बताने के लिए, तो अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख रहे हैं बच्चों, तो आप देखेंगे दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्रीज। ये हमें कैसे पता लगता है? अगर आप देखें कन्याकुमारी पर, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, अगर हम यहाँ इन वैल्यूज को देखें जो एक बॉक्स में आपको दिखाए गए हैं, 8 डिग्रीज 4 मिनट्स टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ एंड 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। इफ यू लुक एट दीज लोकेशंस, आपको एक अहम सवाल जरूर मिलेगा। सोचिए कि आपको कैसा दिख रहा है, भारत कैसा दिख रहा है अगर हम ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को जाने और देखें। सबसे
इम्पॉर्टेंट बात जो आपके मन में आएगा कि जब हम कह रहे हैं कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, अर्थात द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्रीज, तो पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम क्यों प्रतीत होता है? क्या आपने देखा इस सवाल को? Did you notice this, that why, despite this fact that the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent? Let us do this and try to understand through an activity. Children, the east-west extent of 30 degrees is expressed in the longitudinal extent, and it appears to be smaller. You know why? देशांतर जो है किसी भी दो देशांतर के बीच में या longitudinal distance between any two longitudes becomes lesser as we move away from equator towards the poles. As we move away from the equator, the distance between the longitudes decreases, while the distance between any two latitudes remains the same. Gaur kijiye, equator 0 degree latitude or 23 and a half degrees latitudes. Chahe hum wo Tropic of Cancer le, Kark Rekha le, ya Tropic of Capricorn le. Inki duri barabar rehti hai. Aur ek टर्म यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करेंगे. मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रिक या इक्विडिस्टेंट, एंड आप इसी बात पे ध्यान कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि लैटिट्यूड्स किसी भी दो लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी लगभग बराबर रहती है. दे रिमेन इक्वल एंड देयरफॉर लैटिट्यूड्स आर कॉन्सेंट्रिक. बच्चों यही वजह है कि पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से की अपेक्षा कम प्रतीत होता है, जैसा अगेन आप इस चित्र में देख सकते हैं. ध्यान दीजिए, 0 डिग्री, 20 डिग्रीज नॉर्थ, 40 डिग्रीज नॉर्थ, 60 डिग्रीज नॉर्थ, अगर आप देखें तो इनकी दूरी बराबर है, दे आर इक्वल. जब आप स्टैंडर्ड मेरिडियन और जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड विश्व के लिए जो माना गया है, जिसको आप जानेंगे कि यामनोत्तर, मानक यामनोत्तर विश्व के लिए माना जाता है, जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी प्राइम मेरिडियन, जैसे जैसे आप उसमें उनकी दूरी देखेंगे तो आप देखेंगे वो बराबर नहीं रहती है, वो बराबर नहीं रहती है. हम पोल्स के पास जैसे जैसे चलते जाते हैं तो वो दूरी अपने आप में कम होती जाती है. इक्वेटर से पोल्स तक की दूरी हमेशा बराबर रहती है लैटिट्यूड्स में. अब एक और अहम सवाल, बच्चों आप जगह जगह से जुड़े हुए हैं, आप हमें देख रहे हैं, कोई अरुणाचल प्रदेश में है तो कोई गुजरात में है. अब आप कहेंगे कि हमने अरुणाचल और गुजरात ही क्यों लिया? अरुणाचल भारत का पश्चिमोत्तर राज्य है, इट्स द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, व्हाइल गुजरात इज लोकेटेड इन द वेस्ट. और आपको ये भी पता है अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल क्यों रखा गया है. सूर्य की प्रथम किरणें इस राज्य में सबसे पहले देखी जाती है, और गुजरात जो कि वेस्ट में लोकेटेड है. अब आपको एक और बात बताती हूं, क्या आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक लेकर 2 घंटे का लगभग एक टाइम लैग माना जाता है? तंदी मैम, आप को ये पता है ऐसा क्यों होता है? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अगर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे की गैप है जी, तो क्या कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है?
मैम शायद शायद वेरी गुड दैट मींस आप थोड़ी बहुत श्योर जरूर है हमारे नन्हे दोस्तों की तरह जी बिल्कुल हाँ जी इसमें ये वजह ये भी है कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक सूर्य की किरणों को कवर करने में या ट्रेवल करने में 4 मिनट का समय लगता है और तंदी मैम अगर आपको याद हो तो हमने बोला कि लैटिट्यूडनली हमारा देश जो है वो डिफरेंस जो है वो तकरीबन 30 डिग्री है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनली भी हमने कहा वो 30 डिग्री है ना अब टाइम जो है हम लॉन्गिट्यूड्स के डिस्टेंस में लेते हैं टाइम को हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज में देखा जाता है तो टेकिंग द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ 30 डिग्रीज अपार्ट फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ गुजरात टू ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात वी फाइंड दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 डिग्रीज फॉर दिस डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्रीज द सन रेज टेक 4 मिनट्स पर लॉन्गिट्यूड अब आप एक छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लीजिए 30 डिग्रीज इंटू 4 मिनट्स तो कितने बनते हैं तरवी मैम 120 मिनट्स और मिनट्स को अगर हम इनको घंटों में कन्वर्ट करें तो वो कितने हो जाएंगे 2 घंटे हो जाएंगे 2 आवर्स परफेक्ट हम टाइम की बात कर रहे हैं हमारे पास आखिरी 1 मिनट रह गया है जी बिल्कुल तो अब हम एक लास्ट सवाल पे आते हैं कि इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंडिया में एक हमने मानक यमनोत्तर लिया है जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से निकलता है और इसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं ऐसा क्यों अगर हमारे पास एक मानक यमनोत्तर नहीं होगा तो सोचिए जो लोग सफर करेंगे पश्चिमोत्तर राज्य से किसी और जगह पर चाहे वो द्वारका हो गुजरात का या अरुणाचल प्रदेश की कोई जगह हो तो वहां कितनी कंफ्यूजन होगी हमें टाइम टेबल ट्रेन के सुबह उठने का और दिफू एक छोटी सी लड़की जो गुजरात में कभी सुबह उठ रही है 5 बजे तो उसी की कजिन जो है वो अगर अरुणाचल प्रदेश में रह रही है या दिफू गुजरात अरुणाचल में रह रही है और उसकी बहन जो है वो वहां दूसरी जगह रह रही है तो वहां पे अगर 2 घंटे का टाइम लैग होगा वो एक दूसरे से कैसे बात करेंगे तो इसलिए इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने एक मानक यमनोत्तर 82.5 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से लिया गया है और आखिरी यही नहीं कि लॉन्गिट्यूड की वजह से हमें ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं बच्चों आपने जरूर पढ़ा होगा कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आपने कभी सफर किया होगा तो आपने देखा होगा कि डे और नाइट यानी रात और दिन का जो डिफरेंस है वो आपको कैसा फील होता है इट इज हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी क्यों क्योंकि कन्याकुमारी में और कश्मीर में अगर हम देखें यही वजह है कि जब 4 मिनट अगर लगते हैं एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक तो ये दिन और रात का डिफरेंस जो है रिलेटेड है द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ अर्थ का सरफेस जो है वो स्फेरिकल है तो सूर्य की किरणें बराबर नहीं पड़ती हैं एट द इक्वेटर वो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे पड़ती हैं एंड और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर हो जाते हैं वो तिरछी या ओब्लीक या स्लैंटेड हो जाती हैं क्योंकि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल शेप है तो बच्चों आज हमने जो जानकारी ली है वो सिर्फ एक पहला इंट्रोडक्शन था इस भाग में तो आप बच्चों मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ जानने की कोशिश कीजिए कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है हिंट मैंने आपको दिया है कि द रेज ऑफ द सन ओवर द इक्वेटर व्हाइल वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर रेज बिकम ओब्लिक और स्लांटेड आशा करती हूँ मेरे बच्चों कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा यू आर मोस्ट वेलकम टू कम्युनिकेट योर क्वेश्चंस बिल्कुल मैम
मैम, हमारे दर्शकों को, बच्चों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा है और मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि बहुत ही मज़े लेकर हमने ये सुना, मैंने ये सुना लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बहुत कुछ जाना, टाइम लैप्स के बारे में जाना, और आपने इतनी सारी जगहों के बारे में बताया, मन कर रहा था कि वहाँ जाकर एक बार फील करना चाहिए कि एक्चुअली डे और नाइट का ड्यूरेशन कन्याकुमारी या कश्मीर में कैसा फील होता है। तो अभी क्योंकि पैंडमिक चल रहा है एंड बच्चों को बाहर जाना मना है, तो अगर थोड़ा सा सिचुएशन बेटर होगी तो बच्चे ज़रूर जाकर देखना चाहेंगे और इसे फील भी करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बहुत कुछ बताने के लिए आज इस बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लास में, जिसका चैप्टर, जिसका नाम था इंडिया साइज एंड लोकेशन। थैंक यू। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर के दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद। भाग दो जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए आप इस एपिसोड को दोबारा देखना चाहें तो ये हमारे यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर अपलोड थोड़ी देर में कर दिया जाएगा, तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि अगर हमने आज नहीं लिए तो भाग दो में उन्हें ज़रूर लिया जाएगा। अब इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करने का समय आ गया है, लेकिन हम थोड़ी देर में फिर से आएंगे अपना खास कार्यक्रम वेबिनार ऑन ICT 2 लेकर, और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा साइबर सेफ्टी कंसर्न्स व्हाइल यूजिंग डिजिटल गेम्स। तो थोड़ी देर में मिलेंगे आप सभी से हमारे YouTube चैनल NCERT ऑफिशियल पर। तब तक के लिए आप बहुत ध्यान रखिएगा अपना और घर के अंदर ही रहिएगा, क्योंकि बाहर अभी भी COVID-19 का खतरा है, और अगर आप बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाइएगा। नमस्कार।